सिस्टम और टॉपिक है हमारा इन्फॉर्मेशन सिस्टम ई बिजनेस के अंदर के हम जो है वो बिजनेस इन्फॉर्मेशन सिस्टम को कारोबार में कैसे इस्तेमाल करेंगे और बेसिकली ये जो कोर्स है मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम ये यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब की तरफ से और पंजाब कॉलेज नलसी में और ADP CS वाले स्टूडेंट्स के लिए यह ऑफर किया जा रहा है और मोहम्मद शौकत असलम आपकी जगह में हाजिर है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2, इसका जो है पार्ट 1 हम पहले कर चुके हैं, आज हम देखेंगे इसका पार्ट 2। पार्ट 2 में हम देखेंगे कि हम जो है अपने कारोबार को एक खास मुद्दत में खास अवसर में कैसे जो है वो फ्लरिश कर सकते हैं, चला सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले एंटरप्राइज एप्लीकेशन देखते हैं। एंटरप्राइज एप्लीकेशन आर सिस्टम दैट फॉर्म फंक्शनल एरियाज एंड ऑटोमेट प्रोसेसेस फॉर द मल्टीपल बिजनेस फंक्शंस एंड ऑर्गेनाइजेशनल एरियाज इंक्लूड। मतलब कि अगर कारोबार को आपने फंक्शनल करना है, बढ़ाना है और कारोबार को वसी करना है, उसके लिए जो प्रोसेस होंगे, जो अवामिल होंगे, जो मल्टीपल जो है कारोबार के जो फंक्शन होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, और उसमें ये जो है 4 पॉइंट शामिल होते हैं। सबसे पहले जो है वो एंटरप्राइज सिस्टम होना चाहिए और इसके लिए अलावा जो है जो भी प्रोडक्ट है उसका सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए और जितने भी कस्टमर्स हैं उनका रिलेशनशिप जो है वो मैनेजमेंट सिस्टम के साथ अच्छा होना चाहिए और जितना भी जो है नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम होगा उतना ज़्यादा आपका कारोबार फ्लरिश करेगा, ग्रो करेगा। अब मजीद हम आगे देखते हैं कि एंटरप्राइज सिस्टम होता क्या है। एंटरप्राइज सिस्टम क्या है, ये आल्सो नोन एज एंटरप्राइज रिसोर्सेज प्लानिंग ERP सिस्टम, यानी ERP सिस्टम से उसकी जो है बेहतरीन जो है वो बेहतरीन तरीके से जो है उसके हावना होना चाहिए, इल्म होना चाहिए और इसके अलावा जो है इंटीग्रेट की बिजनेस प्रोसेसेस ऑफ एंटायर फर्म इनटू अ सिंगल सिस्टम एनेबलिंग मैनेजर्स ऑफ लार्ज फर्म टू असेंबल एंड ओवरऑल व्यू ऑफ द ऑपरेशंस। जो मैनेजर्स होते हैं वो बेसिकली जो है वो अनेबल करते हैं बहुत बड़ी तादाद में कंपनीज को, ऑर्गेनाइजेशन को, फर्म्स को, जितने भी उसके ऑपरेशन हो रहे होते हैं सबको जो है वो मैनेजर जो है वो देख रहा होता है और जितने भी की पॉइंट होते हैं, प्रोसेस होते हैं बिजनेस के हवाले से, फर्म के हवाले से, ये सारे को जो है वो मैनेजर जो है वो वॉच आउट कर रहा होता है। इसके अलावा जी अल्कोआ यूज ERP मतलब एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग जो है ये जो है वो एलिमिनेट करता है रिडंडेंसीज एंड इन एफिशियंसीज इन इट्स डिस्पैरेट सिस्टम। और सिस्टम को जो है वो डिस्पैरेट करने के लिए क्या है ERP जो है वो उसको इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो है वो जितनी भी रिडंडेंसीज है, इन एफिशियंसीज है कारोबार में उसको जो है वो कम किया जा सके। मजीद हम देखते हैं कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। ये सारी चीज़ें हम बेसिकली पढ़ रहे हैं सिस्टम दैट फॉर्म द एंटरप्राइज में। और इसमें क्या होता है, एम टू मूव द करेक्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम सोर्स टू पॉइंट ऑफ कंजप्शन एज क्विकली एज पॉसिबल एंड एट द लोएस्ट कॉस्ट, यानी कम कीमत के ऊपर हम जो है वो मुमकिन बनाया जाता है और इसके इस्तेमाल को जो है वो मुमकिन बनाया जाता है और प्रोडक्ट को जो है वो एक सही मानों में जो है वो तैयार किया जाता है कस्टमर्स के लिए। ये बेसिकली सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर आता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि यूज बाय फर्म टू मैनेज रिलेशनशिप विद सप्लायर्स, परचेजिंग फर्म्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड लॉजिस्टिक्स कंपनीज थ्रू शेयर्ड इंफॉर्मेशन अबाउट ऑर्डर, प्रोडक्शन, इन्वेंट्री लेवल एंड मोर। अब जो भी फर्म्स होती है वो बेसिकली जो है वो रिलेशनशिप बेस पे जो है वो चल रही होती है, सप्लायर्स का जो है रिलेशनशिप जो है कंपनी के साथ और परचेजिंग फर्म का कंपनी के साथ रिलेशनशिप और डिस्ट्रीब्यूटर्स का जो है वो कंपनी के साथ रिलेशनशिप और लॉजिस्टिक कंपनी जितनी भी हैं जो कि शेयर कर रही होती इन्फॉर्मेशन अपने ऑर्डर्स को शेयर करती हैं। तो ये सारी चीज़ों के साथ जो है वो एक जो है वो अच्छा रिलेशन मैनेज किया जाता है, प्रोडक्शन के हवाले से भी एक अच्छा रिलेशन मैनेज किया जाता है, इन्वेंट्री लेवल्स के अलावा से हवाले से और बहुत सारी चीज़ें हैं ताकि ये जो रिलेशनशिप है जो है इसको अच्छे वे में लाया जाए, बेहतर तरीके में लाया जाए ताकि प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ सके। उसके बाद है जी तीसरा पॉइंट, ऑटोमेट द फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन अक्रॉस ऑर्गेनाइजेशनल बाउंड्रीज। तो जितनी भी होती हैं फ्लो होता है इन्फॉर्मेशन का
वो बेसिकली जो भी ऑर्गेनाइजेशन बाउंड्रीज होती हैं उसके अंदर जो है वो ऑटोमेटिकली वो मुक्ता रही होती हैं। तो ये था सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम। आगे हम देखते हैं कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। बेसिकली ये कोऑर्डिनेट करता है जितने भी बिजनेस प्रोसेसेस हो रहे होते हैं या जितनी भी कस्टमर के साथ डील हो रही होती है उन सबको ऑप्टिमाइज करते हैं, जितना भी रेवेन्यू होता है और कस्टमर क्या होता है वो मुतमइन होता है। और उसके बाद क्या होती है, जब कस्टमर मुतमइन हो गया तो आपकी सेल जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो बढ़ जाती है, रेवेन्यू भी ऑटोमेटिकली जो बढ़ जाता है। और सेल्स मार्केटिंग एंड सर्विस रिकॉर्ड डाटा फ्रॉम मल्टीपल कम्युनिकेशन चैनल्स कैन बी कम्बाइंड। अब इसके अंदर सेल्स और मार्केटिंग का इदारा जो है उसकी जो सर्विसेज होती हैं उनका जो रिकॉर्ड होता है डाटा का और जितने भी कम्युनिकेशन हो रही होती हैं मल्टीपल कम्युनिकेशन चैनल के जरिए इस सारे को क्या कर दिया जाता है, एक जगह पे इकट्ठा कर दिया जाता है, कंबाइन कर दिया जाता है ताकि सेल्स को इंक्रीज किया जा सके। और साफ इम्प्लीमेंटेड थी आरएम एप्लीकेशन फ्रॉम सीबल सिस्टम्स टू अचीव द 360 व्यू ऑफ कस्टमर्स रिजल्टिंग इन अ ग्रेटर फ्लो ऑफ रेट ऑन सेल्स लीड्स एंड इंक्रीज द कस्टमर सेटिस्फेक्शन। तो सबसे पहले जो फोकस किया जाता है, कोई भी कंपनी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो बेसिकली कस्टमर को फोकस करती है और कस्टमर्स के जो है बिहेवियर और कस्टमर्स की जो फीडबैक है उसको जो है वो देखते हुए उसको सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रही है। और जिसकी बेस अगर कस्टमर सेटिस्फाई हो गया तो इससे क्या होता है, सेल्स जो है वो बेसिकली ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। तो ये था कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम। एक सिस्टम के जरिए जो है ये कस्टमर्स को जो है वो बेसिकली क्या किया जाता है, कैप्चर किया जाता है। उसके बाद अभी नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम क्या करता है, ये नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम बेसिकली इंटेंजिबल नॉलेज एसेट्स प्रोवाइड वैल्यू टू फर्म। ये कंपनीज की वैल्यूज को जो है वो इंक्रीज कर रहा होता है बेसिकली। एंड नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम मैनेज द कैप्चर स्टोरेज डिस्ट्रीब्यूशन एंड एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज सो दैट इट कैन बी लेवरेज फॉर द स्ट्रेटेजिक बेनिफिट। जितनी भी स्ट्रेटेजी हो रही होती है उनको जो जितने भी बेनिफिट्स हो रहे हैं उसके अंदर ये नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम जो है बहुत अहम किरदार अदा कर रहा होता है। ये बेसिकली जितने भी होते हैं सबकी कैपिंग कर रहा होता है, स्टोरेज कर रहा होता है, डिस्ट्रीब्यूशन में भी इसका अहम किरदार होता है। जितने भी एप्लीकेशन होती है उनके बारे में जितना भी नॉलेज होता है और जितने भी लेवरेज सिस्टम होता है, जितनी स्ट्रेटजीज होती हैं सारी की सारी जो है ये नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम के मातहत हो रही होती हैं। आगे हम देखते हैं कि हावर्थ ओवरहॉल सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम क्या है जी। ये बेसिकली क्या करते हैं, रीड द फोकस ऑन द टेक्नोलॉजीज एंड देन डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये बेसिकली जो भी उस वक्त की जो टेक्नोलॉजी होती है उसको जो है वो डीपली रीड आउट करते हैं, फोकस करते हैं और फिर उसके बाद क्वेश्चन जो है वो दर्ज दर्ज जो है वो अरेज होते हैं। सबसे पहला सवाल जो है, व्हाट प्रॉब्लम्स डिड हावर्थ फेस, यानी हावर्थ फेस जो है वो कौन से मसाइल को जो है वो फेस करते हैं, क्या मसाइल उनके सामने आते हैं, हाउ डिड दे अफेक्ट द वे ऑफ द कंपनी रैन इट्स बिजनेस। और इसके अलावा जो है वो कैसे जो है मुतासर होते हुए कंपनी जो है वो बिजनेस को चला सकती है। इसके अलावा दूसरा सवाल है कि हाउ डिड द कंपनी सॉल्व दिस प्रॉब्लम, कंपनी जो है इन मसाइल को कैसे हल कर सकती है। और कौन से, अगला सवाल है कि व्हाट पीपल ऑर्गेनाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी इश्यूज डिड द सॉल्यूशन हैव टू एड्रेस। और जो लोगों की और ऑर्गेनाइजेशन की जो टेक्नोलॉजीज के हवाले से जो इश्यूज होते हैं उनको कैसे जो है सॉल्व किया जा सकता है। और इसके अलावा आखिरी जो सवाल है, हाउ सक्सेसफुल वाज द सॉल्यूशन, तो इन सॉल्यूशन की बेस पे आप कैसे जो है वो कामयाबियाँ हासिल कर सकते हैं। तो ये था बेसिकली सप्लाई चेन मैनेजमेंट ओवरहॉल। और आगे हम देखते हैं कि इंट्रानेट एंड एक्स्ट्रानेट क्या होता है। बेसिकली जो टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म दैट इंक्रीज द इंटीग्रेशन एंड एक्सपीडाइट द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो क्या करती है, बेसिकली आपकी टेक्नोलॉजी के जरिए जो है आप इनको इंक्रीज कर सकते हैं, इनको बढ़ा सकते हैं। जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी होगी उतना आपका फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो ज़्यादा एक्सपेंड होगा, जल्दी से लोगों तक पहुँचेगा। इंट्रानेट क्या करता है, इंटरनल नेटवर्क बेस्ड ऑन इंट्रानेट स्टैंडर्ड्स, बेसिकली जितने भी आपके इंटरनेट नेटवर्क्स होते हैं उनके ऊपर ये जो है वो स्टैंडर्ड्स को सेट कर रहा होता है, बेस कर रहा होता है। और एक्स्ट्रानेट क्या है जी, इंट्रानेट दैट आर एक्सटेंडेड फॉर द ऑथोराइज यूज आउटसाइड द कंपनी, जो कंपनी के बाहर जो है लोग जो ऑथोराइज करते हैं, यूज लोग करते हैं
इंटरनेट, इसको क्या कहते हैं, एक्स्ट्रानेट, ये बेसिकली एक्सटेंडेड होता है, और इसको जो यानी जो आउटसाइडर यूज करेंगे वो एक्स्ट्रा नेट होंगे, जो इंटरनल इंटरनल नेटवर्क के यूज करेंगे लोग उसको कहेंगे इंटरनेट, ये इसका डिफरेंस है। और इंटरनेट ऑफन यूटिलाइज आ पोर्टल बेस पे ही यूज होता है, एक्स्ट्रानेट जो है ये फैसिलिटी कोलेबोरेशन इसकी जो है वो फैसिलिटी तो करें किया जा सकता है। तो ये था इंटरनेट और एक्स्ट्रानेट। अब हम देखते हैं कि ई बिजनेस, ई कॉमर्स और ई गवर्नमेंट बेसिकली क्या होती है। ई बिजनेस बेसिकली ये रेफर करता है यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी, कि आप डिजिटल टेक्नोलॉजी यूज करते हुए एंड इंटरनेट को इस्तेमाल करते हुए आप जो है बड़े बड़े कारोबार को कैसे जो है वो अमल में ला सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं, चला सकते हैं, रन कर सकते हैं। और ई कॉमर्स क्या होती है, ये एक सबसेट होता है ई बिजनेस का, और ये जो है इसके अंदर इन्वॉल्व होती है बाइंग एंड सेलिंग अशिया की और सर्विसेज की थ्रू द इंटरनेट। इंटरनेट के जरिए आप कैसे अशिया को बेचते हैं, सेल आउट करते हैं, ये सारी चीज़ें ई कॉमर्स के ऊपर जो है वो बेस करती हैं। ई कॉमर्स क्या करती है, ये रेफर टू यूजिंग इंटरनेट टेक्नोलॉजी, इंटरनेट के टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए डिलीवर करती है इंफॉर्मेशन को और सर्विस को, शहरियों तक पहुँचाती है, सिटीजन तक पहुँचाती है और एम्प्लॉयज तक पहुँचाती है और बिजनेस कारोबार तक ये सारी चीज़ें पहुँचाती हैं। तो ये बेसिकली तीनों में डिफरेंस है, ई बिजनेस, ई कॉमर्स और ई गवर्नमेंट के हवाले से। आगे हम देखते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम डिपार्टमेंट में कौन कौन से जो है वो शामिल होते हैं। एक तो उसमें पहले नंबर पर प्रोग्रामर शामिल होता है, सिस्टम एनालिसिस में शामिल होते हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजर्स के अंदर शामिल होते हैं, चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर सीईओ इसके अंदर शामिल होते हैं, एंड यूजर इसके अंदर शामिल होते हैं। अब हम देखते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग द इंफॉर्मेशन सिस्टम फंक्शन, हम इसको हम ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे, उसको फंक्शन कैसे करेंगे। स्मॉल कंपनीज ऑफन रिलाई ऑन द सिंगल पर्सन फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज रादर देन एन इंफॉर्मेशन सिस्टम डिपार्टमेंट। जो छोटी कंपनियां होती हैं ये बेसिकली रिलाई कर रही होती हैं एक पर्सन के ऊपर, और ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जितनी सर्विसेज होती हैं वो एक ही पर्सन उसको यूज कर रहा होता है बनिस्बत के इंफॉर्मेशन सिस्टम डिपार्टमेंट के। आगे जो है हम लार्ज फर्म्स विद इंफॉर्मेशन सिस्टम डिपार्टमेंट, अगर बड़े फर्म्स की बात करें तो वो इंफॉर्मेशन सिस्टम को क्या करती हैं, डिसेंट्रलाइज करती हैं। देन ईच फंक्शनल एरियाज ऑफ द बिजनेस हैज इट्स ऑन इंफॉर्मेशन सिस्टम, जितने भी जो है वो बिजनेस कर रहे होते हैं, फंक्शन होते हैं, उनके सबके जो है वो एक अपना जो है वो इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। ये बड़ी बड़ी कंपनियां इसको इस्तेमाल करती हैं, और ये क्योंकि सिस्टम महंगा होता है इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसलिए इसको छोटी कंपनियां इससे जो है वो जो है इसको अफोर्ड नहीं करती, बड़ी कंपनियां इसको इस्तेमाल करती हैं। अदर लार्ज फर्म्स मे डिपेंड ऑन अ सेंट्रल डिपार्टमेंट दैट मेक्स टेक्नोलॉजी डिसीजंस फॉर द एंटायर कंपनी, और जो दूसरी बड़ी कंपनियां होती हैं ये बेसिकली डिपेंड करती हैं जो सेंट्रल डिपार्टमेंट होते हैं और ये बेसिकली टेक्नोलॉजी के लिए जो है वो डिसीजन लेती हैं, और जितनी भी मुकम्मल कंपनी होती है उसके लिए जो है इसको डिसीजन लेने में आसानी होती है। ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।